हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक दाल लेकर आई हूँ, साग जिसे कहना चाहिए। तो सर्दियों में तो सभी लोग साग खाते हैं, मैं आपको देखिए गर्मियों में भी साग खिलाऊंगी और इतना यमी साग होगा ना ये कि आप एक बार नहीं बार बार बनाकर खाएंगे इसको। और ये देखिए, अभी तो मैं तड़का लगा रही हूँ, इसका तड़का ही इतना टेम्पटिंग है साग का, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसको देखकर किसी का खाने का दिल ना करे। और मेरे घर में तो खैर सबको बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला साग, और आप भी एक बार बनाइएगा ज़रूर मेरे कहने से, और आप यकीन माने आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये मखनी साग बहुत ही डिलीशियस है जो मैंने अरबी के पत्तों से बनाया है। आपको विश्वास नहीं होगा कि अरबी के पत्तों से भी इतना बढ़िया इतना टेस्टी साग बन सकता है। तो आइए मेरे साथ चलिए रसोई में और देखते हैं कि किस तरीके से बनाया है मैंने ये साग। तो अरबी का पत्तों का साग बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये आधा किलो अरबी के पत्ते, और इनको मैंने धो लिया है साफ़ पानी से। और ये मैंने लिया है एक गिलास, आई मीन 250 ग्राम उड़द लिए हैं, साबुत वाले जो उड़द होते हैं ना वो लिए हैं मैंने। और इनको मैं साफ़ करके धो लूँगी 3-4 बार, और 3 से 4 घंटे के लिए इन्हें मैं भिगो के रख दूँगी पानी में। और इसका देखिए कितना गंदा पानी निकलता है धोते समय, तो इसको सबको हमें निकाल देना है और फिर साफ़ पानी में भिगो के रख देना है। इधर ये अरबी के पत्ते भी काट लेती हूँ मैं। तो इनकी सबसे पहले क्या है कि हमें जो बड़ी वाली मोटी वाली डंठल है वो हमें काट के निकाल देनी है, उसका कोई यूज़ नहीं है हमारे साग में। और मैं सारे पत्तों की ये डंठलें अलग कर दूँगी पहले और इनको साफ़ कर लूँगी। धुले हुए तो हैं ही पत्ते, मतलब ये डंठल निकाल दूँगी और इनको बिल्कुल अपने साग बनाने के लिए रेडी कर लूँगी। और ये सारे डंठल निकल चुके हैं, और अब इनको क्या करना है, इनको हमें फोल्ड करके इन्हें कट करना है। तो हम एक के अंदर एक करके 6-7 पत्ते एक साथ रख लेंगे और इनको टाइटली फोल्ड करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से ना बहुत जल्दी कट जाते हैं पत्ते। तो बस मैंने पहले इसको बीच में से कर दिया, और फिर जो टाइट वाला हिस्सा होता है ना, जो नस वाला हिस्सा होता है पत्ते का, वहाँ से मैं फोल्ड करती चली गई। और अब मैं इसको सारे को फटाफट सारे पत्ते में कट कर लूँगी। तो बारीक बारीक जैसे भूजी काटते हैं उस तरीके से ये पत्ते हमें कट करने हैं। और इस तरीके से पत्ते बहुत जल्दी कट जाते हैं। और उधर अब काफ़ी देर हो चुकी है, उड़द भी मेरे भीग चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, कुकर लेंगे और उसमें मैंने कर दिए उड़द, और उड़द काफ़ी भीग के काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, और इसमें ही मैं कर दूंगी अरबी के पत्ते जो मैंने काट के रखे हैं। और साथ में हम लेंगे सॉल्ट और हल्दी पाउडर। तो सॉल्ट होगा टेस्ट के हिसाब से। तो मैंने लिया था एक 250 ग्राम दाल है मेरी और आधा किलो पत्ते हैं, तो मैंने इसमें करीब लिया है 1 से 1.5 चम्मच नमक, और हल्दी पाउडर लिया है 1 चम्मच छोटी वाली, और 2-3 हरी मिर्ची इसमें मैंने डाल दी। आप चाहें तो इस समय गार्लिक भी इसमें डाल सकते हैं, अदरक और लहसुन, और इसको थोड़ा सा मिक्स दे देंगे हल्का सा। और अब इसको कुकर को हम बंद करके रख देंगे गैस पे। और हाँ, बंद करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जब हम साग या छोले या राजमा या दाल कोई सी इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं, तो आपने भी देखते होंगे कि अक्सर पानी निकलता है कुकर के ढक्कन में से। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देती हूँ कि ये जो गास्केट होती है ना कुकर की, रबर होती है, इस पर हम ऑयल लगा दें अगर, तो हमारे कुकर में से पानी नहीं निकलता है सीटी आने पर। तो ये देखिए, मैं इसमें अच्छे से ऑयल लगा दूंगी रबड़ के ऊपर। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया और उंगली से पूरी रबड़ पे फैला दिया, और इससे ना बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं आएगा और आराम से हमारा साग पकता रहेगा। अब मैं कुकर को बंद करके रख दूंगी गैस पर, और मुझे इसमें लेनी है कम से कम 6 विसिल। तो एक विसिल तो मैं फुल गैस पर ले लूँगी, और 4-5 विसिल मैंने ली थी सिम गैस पर। और जब ठंडा हो गया कुकर तो उसको खोला है मैंने, और देखिए अब मैं इसको चला के देख लेती हूँ कि गला कि नहीं गला। और लग तो रहा है देखने में कि उड़द मेरे अच्छे से गल चुके हैं, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ।
जी देखिए, उड़द अच्छे से गल चुके हैं और इसका मतलब यह है कि साग हमारा आधा तैयार हो गया। अब इसको हम एक साइड में रख देंगे, घोटेंगे इसको अच्छी तरह। और अब मैं बना रही हूँ तड़का, तो तड़के के लिए मैंने ये लिया है सरसों का तेल, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। और उसमें मैंने 3-4 कश्मीरी लाल मिर्चें डाली हैं साबुत वाली, और थोड़ा जीरा डाला है, और कुछ प्याज मैंने चॉप करके रखी है, वो प्याज मैं पहले भूनूंगी इसमें। और अगर अदरक लहसुन वगैरह आप खाते हैं तो वो भी इसी समय इसमें ऐड कर सकते हैं प्याज के साथ। साथ में मैंने लिए हैं ये 3-4 हरी मिर्चें, क्योंकि साग वगैरह थोड़े चटपटे अच्छे लगते हैं, और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। और जब ये प्याज अच्छे से भुन गई है तब मैंने इसमें 2 टमाटर भी चॉप करके डाल दिए हैं। और आपने देखा कि मैंने दोनों चीज़ें चॉप ही करी हैं, बारीक बारीक चॉपर में चॉप कर ली थी मैंने। और अब इसको हम अच्छी तरह भुनेंगे जब तक कि ये घी ना छोड़ने लगे। और देखिए मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, ये देखिए काफ़ी घी आ गया है, ऑयल आ गया है निकल के बाहर, इसका मतलब मसाला अब हमारा तैयार है बिल्कुल। तो अब जो साग हमारा पका हुआ रखा है उसको भी हमने खूब घोट दिया था, और उस साग को इस मसाले में मैंने ऐड कर दिया। और अब इसको मैं कर दूंगी मिक्स अच्छी तरह। और वाओ देखिए कलर कितना प्यारा आ रहा है ना मसाले का, ये देखिए कितना सुंदर एकदम साग का कलर ही चेंज हो गया। और ये मैंने एक घोल बनाया है बेसन का, तो मैंने आधी कटोरी पानी में 2 चम्मच छोटी वाली जो टीस्पून होती हैं वो बेसन का घोल बनाया है। वो साग में आलन लगाते हैं ना, तो आजकल तो मक्का का आटा आता नहीं है, तो फिर मैं बेसन का आलन लगा देती हूँ इस समय। तो वो बेसन का जो आलन है वो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मिक्स करती जा रही हूँ और इसको चलाती जा रही हूँ। और ये आलन डालने के बाद भी हमें इसे कम से कम 3-4 मिनट तक कुक करना है, या इसमें ऐसा कह लीजिए कि 3-4 उबाल देने ज़रूरी हैं, जिससे कि बेसन का कच्चापन निकल जाएगा सारा। और ये हम ले रहे हैं अमचूर पाउडर, तो अमचूर पाउडर इसमें बहुत ज़रूरी है। और इस समय कच्चे आम आ रहे हैं, तो आप चाहें तो कच्चा आम भी इसमें डाल सकते हैं अमचूर की जगह। और ये सब मिक्स कर दिया मैंने, और इसको अच्छे से पका लूँगी 3-4 मिनट तक। और ये बहुत पतला नहीं रखते हैं, थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ापन पे ही रहता है। और ये देखिए अच्छे से भड़क गया है। और चलिए इसका फाइनल तड़का बना लेते हैं। तो मैंने पहले इसको सर्व कर लेते हैं हम प्लेटर में, मैंने इसको निकाला है साग को, और इसका फिर बनाऊंगी तड़का, जो कि इसका तड़का जो है इसकी जान है। तो तड़के में अब लूँगी मैं देसी घी, यहाँ पर हम ऑयल नहीं लेंगे, यहाँ हम लेंगे देसी घी। और जब हमारा घी हो गया गर्म तो हमने उसमें डाला है जीरा, और थोड़ी सी हींग डाली है, और 3-4 डाली है मैंने सूखी लाल मिर्चें और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और बस ये तड़का रेडी है, इसको मैंने डाल दिया साग के ऊपर, और साथ में मैंने डाल दिया थोड़ा सा बटर। भाई साग हो और बटर ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, साग और बटर का तो साथ है हमेशा का, और बिना बटर के साग अधूरा है। तो देखिए साग में बटर भी डाल दिया, और कितना डिलीशियस लग रहा है ना देखने में। तो दोस्तों आप ज़रूर बनाइएगा इस साग को, मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपका साग कैसा बना। चलिए अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।